वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक सीख लेकर आया हूं क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है अदनान 07 की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताया था कि भाई लगता है अदनान की तरफ से न्यू परफ्यूम लॉन्च होने वाला है, जैसे कि फैसू की तरफ से आया था, हसनैन की तरफ से आया था। और जी हाँ गाइज, वही हुआ, अदनान की तरफ से भी न्यू परफ्यूम आ चुका है। डिस्प्ले पर आप लोग पोस्टर देख सकते हैं। और तो गाइज, टीम 07 की तरफ से जो न्यू सॉन्ग आने वाला था मस्ती में नाचो, फाइनली वो भी आ चुका है। तो ये सॉन्ग और परफ्यूम के बारे में बात करने के लिए अदनान जो है लाइव आए थे, तो आइए उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स देख लेते हैं। 24 दिसंबर एंड 24/07 बहुत सारा प्यार मिल रहा है गाने पे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। जितना मेहनत की है गाने के पीछे, फाइनली ये कमेंट्स पढ़ के वो सब ऐसे लग रहा है कि बहुत हुआ। कल भी मैं 3 घंटा सोया हूँ, एडिटिंग करा रहा था, मैं पूरी रात जागा हूँ, पूरी रात रेंडर नहीं हो रहा था, 750 GB की फाइल थी। अब मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों की मैं क्यों आया लाइव। एक तो मस्ती में नाचो के लिए आए थे, दूसरे अगर गाना आप देखे रहेंगे तो गाने के एंड में रोड के साथ आए हैं 24/07 का। और मतलब इसको बॉडी में, सो गाइस फाइनली रोर आ चुका है। बताइए अदनान भाई, अदनान देखो, देख सकते हो तो 6/07 लिंक दूंगा लेकिन सिर्फ अब्दुल को ही टैग किए, टीम 07 को नहीं। जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई जहाँ तक पता चला है एजाज खान और टीम 07 के बीच अब नहीं जमती। अगली न्यूज आती है आशीष चंचलानी की तरफ से, तो उन्हें जो है बिग बॉय टॉयज की तरफ से अवार्ड मिला। जी हाँ, जैसे कि आप लोग उनकी स्टोरी देख सकते हैं, लिखा है थैंक यू सो मच बिग बॉय टॉयज इंडिया फॉर सेंडिंग दिस, यू पीपल आर द बेस्ट। और ये रहा अवार्ड। गाइस अगली न्यूज़ आती है एमीवे बंटाई की तरफ से, तो एमीवे ने जो है एक स्टोरी शेयर की है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जिसमें लिखा ये है कि एमीवे ने जो है इस साल 34 ट्रैक रिलीज किए हैं, मतलब कि एक महीने में 3 ट्रैक, जो कि बहुत बड़ी बात है। और एमीवे अभी सोच रहे हैं कि एक और सॉन्ग ला दिया जाए 2021 से पहले, ताकि टोटल 35 ट्रैक कंप्लीट हो जाए। गाइस अगली और वापस से बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है अनुष्का सेन की तरफ से। जी हाँ, आजकल जो है ना काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि अनुष्का सेन की तरफ से जो है वेब सीरीज आ रही है ऑल्ट बालाजी पे, पहले फैसू की तरफ से, फिर भाविन और अब अनुष्का सेन। तो जैसे कि आप लोग वेब सीरीज का पोस्टर देख सकते हैं जो कि अनुष्का ने अपलोड की है, नाम है क्रैश और कैप्शन में लिखा है 1 Crash 4 Siblings एंड अ स्टोरी ऑफ डेस्टिनी, अ स्टोरी ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लव एंड इमोशंस। क्रैश का तो पता नहीं, लेकिन क्रश नहीं, नहीं कुछ नहीं। देखो बीच में नहीं खेला हमने ये गेम, आई एम द चैंपियन गाइस। वैसे मुझे लगता है कि अब भाई सॉन्ग का जमाना जा रहा है और वेब सीरीज का जमाना आ रहा है, मतलब कि अब लगातार वेब सीरीज पे वेब सीरीज आने वाली है, सारे मिल के हमको पागल बना रहे हैं। एनीवेज इसी वेब सीरीज के बारे में बात करने के लिए अनुष्का जो है लाइव आई थी, तो आइए उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स देख लेते हैं। हाय, सरप्राइज Surprise! Finally, the poster is out, and I hope you guys like the poster. So I'm finally doing a web series, and I've wanted to do a web series in such a long time. You know, I'm working with Balaji for the web series, and I'm so excited. It's called Crash. I'm playing a very cool character. I can't really disclose about it yet, but I'm playing a very interesting character. And I saw your reactions. You guys were so surprised. So thank you so much. बहुत ही excited हूँ क्योंकि ये मेरा पहला web series है. This is like, as an actor, this is like a very new, sector that I'm gonna be exploring. I'm working with Rohan Mehra, I'm working with Aditi Sharma. It's called Crash, guys, Crash. It's a very amazing story, it's a very new story, a very new concept. Aur bahut hi alag kahani hai. It's gonna come in February 2021. So till then, we are gonna shoot. It'll be on Alt Balaji and Z5. So, and it was so difficult, to not tell you guys about this. Matlab, main jab bhi live thi, जो भी नए अपडेट्स आएंगे, यू कैन चेक इट ऑन ऑल्ट बालाजी, आई विल बी ऑफ कोर्स शेयरिंग इट, मच मोर एक्साइटिंग न्यूज़ कमिंग अप।
गाइस अगली न्यूज आती है पबजी मोबाइल की तरफ से। तो बताया जा रहा है कि भाई पबजी मोबाइल जो है शायद गूगल के साथ पार्टनरशिप करने वाला है। जी हाँ, वो इसीलिए ताकि वो इंडिया में जल्द से जल्द लॉन्च हो सके। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल्स भी आए हैं, लेकिन वहाँ पर टेक्निकल गुरुजी का ही रेफरेंस दिया गया है। तो आइए सीधा मैं आप लोगों को टेक्निकल गुरुजी के इस वाले वीडियो में से ही क्लिप बता देता हूँ, जहाँ पर उन्होंने इसी बारे में बात किए है। अब दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आया और वो अपडेट ये है। तो अभी यहाँ पे बातें चल रही है कि माइक्रोसॉफ्ट का दोस्तों पार्टनरशिप हो गई है माइक्रोसॉफ्ट अजूर के साथ दोस्तों सर्वर्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे अभी पबजी कॉर्पोरेशन एक गूगल के साथ में भी पार्टनरशिप प्लानिंग कर रहा है। बिकॉज उनको दोस्तों चाहिए अपने अच्छे क्लाइंट्स, अपने अच्छे नाम, जिसके चलते शायद गवर्नमेंट अलाउ कर दे। अभी यहाँ पे गूगल के साथ में भी दोस्तों पबजी जो है वो शायद एसोसिएट करना चाहेगा, और उसके बाद में ही हम देख पाएंगे कि शायद दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट अलाउ कर दे। बिकॉज एज ऑफ नाउ जो रेपुटेशन है उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। लेट्स सी कि बातें कब हो जाती हैं और फाइनली कब होती है वापसी पबजी मोबाइल इंडिया की। वैसे गाइस पबजी से रिलेटेड बात निकली गई है, तो चलिए चलते हैं फ्री फायर की तरफ। तो होता कुछ ऐसा कि यहाँ पर टोटल गेमिंग जिनके कुछ 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने जो है फ्री फायर के कुछ 20 घंटे की लाइव स्ट्रीम किए। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भाई, जो कि बहुत बड़ी बात है, मतलब कि 20 घंटा। लेकिन इस दौरान जो है उनके 1 मिलियन लाइक्स कंप्लीट हो गए। उसी पर टोटल गेमिंग ने कहा भी, गेमिंग लाइव स्ट्रीम पे 1 मिलियन लाइक इंडिया में रिकॉर्ड है क्या? बता दो भाई लोग, आज लाइव पे 1 मिलियन लाइक आया है। और जी हाँ गाइस, ये एक रिकॉर्ड है। अगर आप लोग जेम्स स्पोर्ट्स की पोस्ट देखोगे तो उसमें लिखा है टोटल गेमिंग हिट्स 1 मिलियन लाइक्स लाइव ऑन अ स्ट्रीम, अ रिकॉर्ड फॉर गेमिंग लाइव स्ट्रीम्स इन इंडिया। सो कांग्रेचुलेशंस टू टोटल गेमिंग। गाइस अगली न्यूज़ आती है फेसबुक की तरफ से। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताया कि भाई फैसू की तरफ से जो है एक और न्यू सॉन्ग आने वाला है, जिसकी शूटिंग गोवा में चल रही है, मतलब कि अभी हो चुकी है। लेकिन क्या आप लोग ने इस बात को नोटिस किया कि गोवा में जो है अमनीत कौर भी है रीम के साथ? और मैं ये न्यूज आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि राघव जो कि गोवा में अमनीत कौर के साथ ही है, वो जो है फैसू से भी मिले। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और राघव जो है थोड़े भाभी जैसे ही है, मतलब कि जहां जाएंगे वहां से सॉन्ग ही लाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है फैसू और अमनीत कौर की तरफ से हमें सॉन्ग देखने को मिले। अभी कंफर्म नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। गाइस अगली न्यूज़ आती है साहिल अहमद की तरफ से। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में कहा था कि भाई साहिल अहमद ने जो है आमिर सिद्दीकी को कॉल किया था और कहा था कि आपको जो है एक इलीगल ऐप को प्रमोट करना है, जिस पर आमिर सिद्दीकी ने कहा था कि वो जो है कुछ 35 लाख रुपीस ले गए। जिनको इस बारे में पता नहीं है, आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि अभी मैं आप लोगों को जो भी बताऊंगा वो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो अब होता कुछ ऐसा कि साहिल अहमद ने जो है सेम कॉल लक्ष्य चौधरी, फैसू और रियाज को भी किया। जी हाँ, तो आइए देखते हैं वहां से क्या रिस्पांस आया, क्या वो लोगों ने इलीगल ऐप को प्रमोट करने के लिए हाँ कहा या नहीं। तो सबसे पहली क्लिप लक्ष्य की। तो हमने लक्ष्य भाई के साथ बात किया और उनको बोला जो आप पैसा ले लीजिए बहुत ज्यादा और हमारे इस इलीगल ऐप को प्रमोट कर दीजिए। तो उन्होंने क्या बोला आप खुद ही सुन लीजिए ना। अभी बात क्या है, हमारा जो ऐप है ये बैंक इंफॉर्मेशन है, पर्सनल जो डेटा है पब्लिक का, हाँ हम सब कुछ रीड कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। मतलब पता नहीं होगा जो हमारा जो ऐप है इसी ऐप के माध्यम से उसका पर्सनल डेटा और बैंक अकाउंट है भी रीड और एक्सेस हो रहा है। भाई एक काम करो, सुनो, गाने फोन काट दिया, मतलब काहे सर आप कर दीजिए ना। नहीं भाई यार, ये अनएथिकल चीजें करते नहीं भाई हम। एंड फिर ये वीडियो के बाद लक्ष्य ने स्टोरी डालते हुए कहा, दिस गाय इज डूइंग स्ट्रिंग ऑपरेशंस ऑन यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स। फिर अगली स्टोरी में कहा, जिस जिसके पास भी लास्ट 2 वीक्स में ये फेक ऐप प्रमोशंस के कॉल आए थे और उन्होंने ऑडियंस प्राइवेसी के ऊपर पैसे चुने, उनके एल लगने वाले है। दिस गाय फ्रॉम वेस्ट बंगाल वॉज डूइंग अ स्ट्रिंग ओवर इन्फ्लुएंसर्स, आई गॉट हिज कॉल अ वीक बैक, अब ये सबकी कॉल रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर डाल रहा है। और फिर जो है साहिल ने फैसू और रियाज को कॉल लगाया, लेकिन उनके मैनेजर ने कॉल उठाए। तो आइए देखते हैं उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आया है इस इलीगल ऐप के प्रमोशन को लेके। इसके बाद हम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया फैजू सर के साथ और रियाज के साथ। तो रियाज और फैजू के साथ मेरा तो डायरेक्टली बात नहीं हो पाया, लेकिन इनका मैनेजर के साथ बात हुआ। तो जब मैंने फैजू का मैनेजर को सब कुछ बोला ऐप कैसा है इलीगल है, तब उन्होंने क्या बोला आप खुद ही सुन लीजिए। आप चार्ज डबल ले लीजिए। नहीं सर, चार्ज की बात नहीं है, पर आप मुझे थोड़ा टाइम दो क्योंकि मेरे को थोड़ा रिस्की लग रहा है, तो मुझे बात करनी पड़ेगी। मैं आपको चेक करके बताती हूँ हम लोग ये प्रमोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है आप चेक करिए, जो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा जो। लेकिन देखें ऐप पूरा नीट एंड क्लीन है ऊपर। ठीक है चलो मैं बात करती हूँ। तो जो भी है मैडम ने तो बाद में मेरे को फोन ही नहीं किया, लेकिन बाद में मेरे को मैसेज करके बोला जो दे आर नॉट कम्फर्टेबल इन प्रमोटिंग दिस ऐप, मतलब फैजू सर इन ऐप को प्रमोट नहीं करना चाहेंगे। शायद मैनेजर ने फैजू भाई को सब कुछ बताया और फैजू भाई शायद रिजेक्ट कर दिए, इसलिए उनका मैनेजर को और फैजू सर को भी बहुत बहुत प्यार मेरे तरफ से। उसके बाद हमने बात किया रियाज का मैनेजर के साथ, तो उनका मैनेजर को भी मैंने सब कुछ बता दिया था। हाँ सर से बात हुआ क्या? हाँ वो नहीं करना, नहीं हो पाएगा। अच्छा जी ठीक है। तो रियाज भाई ने भी ऑफर को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे तरफ से सभी को बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत प्यार। तो भाई लक्ष्य, फैसू और रियाज तीनों भी इस मिशन में पास हो गए। इस न्यूज के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि साहिल से बच के रहो।
गाइस अगली न्यूज़ आती है कैरी मिनाटी की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई कैरी मिनाटी जो है बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं अजय देवगन और अमिताभ बच्चन के साथ। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि लगता है भाई वो सेट पे निकल चुके हैं, मतलब कि जहां पर शूटिंग होने वाली है, क्योंकि वो जो है कहीं जा रहे थे। और अब जो है कैरी मिनाटी की तरफ से कुछ पोस्ट स्टोरीज आई है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई शायद वो सही में सेट पे ही गए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पोस्ट स्टोरीज, खासतौर पर ये वाली जो कि उनके मैनेजर ने अपलोड की है, जो कि एक मेकअप रूम लग रहा है। तो देखते हैं भाई कैरी मिनाटी इसके बारे में अपडेट कब देंगे। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। स्लैप। अबे साले रुको जरा, सबर करो। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, होता कुछ ऐसा कि जन्नत ने जो ये वाली फोटो अपलोड की और कहा फैमिली अयान जुबैर मिसिंग। उस पर अयान ने कहा वेयर आई एम। अयान मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तू इस फैमिली का हिस्सा नहीं है। ऐसा बोलूंगा ही नहीं मैं, वरना ब्लॉक कर देगा। वैसे अयान को कहां से लाए थे यार? पता नहीं मुझे इस बच्चे से क्यों नफरत होती है। वैसे जो भी हो, अनुष्का सेन का जो सॉन्ग है गल करके, जो कि सिद्धार्थ निगम के साथ आया था, उसने क्रॉस कर लिया है 250 मिलियन व्यूज, 250। उस पे सिद्धार्थ बड़े खुश हो रहे हैं। उन्होंने ये क्यूट सा वीडियो अपलोड किए और कहा गल करके क्रॉस्ड 250 मिलियन, दिस वीडियो विल श्योरली गिव यू स्माइल। बड़ी स्माइल की बातें कर रहे हैं। ना ना ना, अब मैं ज्यादा फाइट नहीं करूंगा। आज से मैंने अवनीत की पोस्ट के नीचे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। जब तक यहाँ बात नहीं पहुंचेगी ना, वहाँ से हटेगी ही नहीं। चीटिंग करता है तू। एनीवेज गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में कहा था कि आज की वीडियो के एंड में जो पिछली लाइव थी अनुष्का सेन की, उसका मैं म्यूजिक वीडियो बनाऊंगा, तो फाइनली वो बन गया है। आइए देखते हैं। और मैं यशराज नहीं हूं, तो ज्यादा उम्मीद नहीं रखना। लगाओ रे। अबे ओए ढिंचाक पूजा फैन, मैंने ढिंचाक का नहीं अनुष्का का कहा। Hey guys, what's up? I feel really bad. I don't know where to put it. Hey Anushka, miss out on something completely. What's up? Crazy. I'm good. Got the charger. I just don't know where to put it. And here we go with the charger. Mom to the rescue. चार्जर। ओके, इस भाषा में आप लिखेंगे, हम उस भाषा में जवाब देंगे।